हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मिस्टर एंड मिसेस सुवाना व्लॉग्स चैनल आज हम बना रहे हैं मैगी पफ सारा इंग्रेडिएंट्स पहले देख लेंगे आप नोट डाउन कीजिएगा और बनाइएगा घर पे यह मैगी 200 ग्राम मैदा लिया है मैंने और टू ग्रीन चिलीज़ लिया है यह है 200 ग्राम सोया पनीर मैगी मसाला मैगी पैकेट के अंदर आता है वो और यह कोरियन लीव्स फॉर टेस्ट एंड ऑनियन एक लिया है टू स्लाइस ऑफ गार्लिक सॉल्ट फॉर टेस्ट एंड वन फोर्थ स्पून ऑफ जिंजर पाउडर यह है ब्रेड क्रम्स चलो अब बनाते हैं मैगी पफ पहले लिया है मैदा जैसे आप डो को बनाते हो ना वैसे ही थोड़ा सा सॉल्ट डालें और उसमें डालें आप लोग पानी उसे अच्छे से डो जितना है उतना मिक्स कीजिएगा थोड़ा सॉफ्ट कीजिएगा उसके बाद हम लोग डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून ऑफ़ ऑयल इसे अच्छे से मिक्स करके साइड पे रखेंगे और ये तैयार है थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे ये मैंने गैस ऑन किया इसमें मैंने एक बर्तन लिया है अब मैं डालूँगी इसमें तीन ग्लास ऑफ वाटर और इसके बाद मैगी डालूंगी क्योंकि मैगी तो पानी के साथ ही बॉईल होता है ना इसलिए चलो जोक सपाट ये दीजिए मैंने पानी लिया मैगी लिया और थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दूँगी बहुत ज़्यादा नहीं मैगी लेवल में डाल दिया है अभी ये लिया है मैंने टोफू सोया पनीर जो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और ये पनीर हम लोग मीडियम स्लाइस क्यूब्स में कट करेंगे ये आप देख सकते हैं नीटली कट करेंगे ज़्यादा गाय गाय मत कीजिएगा स्लोली आराम से कीजिएगा इसको हाँ देखिए ये ये साइज़ में कट करके ये मैगी मैंने थोड़ा ज़्यादा बॉईल किया है इसको हम रखेंगे साइड मैंने गैस ऑफ नहीं किया अब हम रखेंगे एक पैन पैन रखने के बाद उसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून ऑफ ऑयल उसे थोड़ा सा स्प्रेड करके इसमें डालेंगे पनीर जो मैंने कट करके रखा है ये डाल के जो ऑयल पनीर के साथ स्टिक हो तब तक आप लोग इसे अच्छे से फ्राई कीजिएगा ज़्यादा ब्राउन होने तक वेट ना करें आप लोग देख सकते हैं फ्राई हो रहा है और हो गया मैंने गैस ऑफ़ किया है गैस ऑफ़ करने के बाद क्या क्या करेंगे आप देखिए मैंने डाला है मैगी जो बॉयल हो चुका है आप ज़्यादा बॉयल करेंगे तो टेस्ट नहीं आएगा इसलिए गैस ऑफ़ करते हैं इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पनीर के साथ अब हम डालेंगे मैगी मसालास जो चार पैकेट था छोटा वाला वो मैंने लिया है क्योंकि मैंने सारा मैगी डाला है तो ये सारा मसाला लगेगा इसके लिए अब हम डालेंगे गार्लिक उसमें डालेंगे जिंजर पाउडर वन फोर्थ स्पून एंड सॉल्ट फॉर टेस्ट ज़्यादा ना डालें क्योंकि मैदे में भी आप लोग सॉल्ट डाल चुके हैं तो ना डालें अभी ये ऑनियन लिया है मैंने एक इसको मैंने फ्राई वगैरह कुछ नहीं किया है ये लिया है चिलीज़ इसको सारा अब हम मिक्स करेंगे ये आप लोग देख सकते हैं रेडी है अब जो मैंने छोटा पैकेट था उसको भी लिया था एक ही लिया पैकेट अभी मैं डालूँगी कोरिएंडर लीव्स फॉर टेस्ट उसको ज़्यादा मिक्स ना करें थोड़ा थोड़ा ऊपर से मिक्स करें ये देखिए डो सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा इसे अभी अच्छे से मस लेंगे फिर से अच्छे से ये रेडी है अब इसका मीडियम गोला बनाएंगे लड्डू जैसा ये देखिए अब देख सकते हैं इसका मैंने सारा गोला बना दिया है टोटली दस गोला बनाया है मैंने आप लोग अगर ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा बना सकते हैं कम है तो कम बना सकते हैं ज़्यादा खाने वाले तो ज़्यादा बनाइएगा बहुत ही टेस्टी बनेगा ये देखिए सारा रेडी है अभी अब इसको जैसे चपाती बनाते हैं वैसे हम लोग इसे अच्छे से बेलेंगे इसे थोड़ा सा मैदा मिलाइएगा ज़्यादा नहीं और इसको जैसा पराठा चपाती वग़ैरह होता है वैसे ही इसको अच्छे से बेल लीजिएगा बेलने के बाद आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हो गया है अब जो स्टफ़ मैंने यूज़ किया है मैगी का उसको हम इसके अंदर डालेंगे इसके अंदर डाल के हमें बनाना है रोल जैसा पफ़ रोल होता है ना वैसा वाला आज हम बना रहे हैं मैगी तो मैगी पफ रोल मैगी वाज अ हीरो ऑफ़ दिस इंग्रेडिएंट हीरो ऑफ दिस डिश सो आप देख सकते हैं ये देखिए रेडी है अब चलो हम बनाते हैं रोल इसका धीरे धीरे कीजिएगा और जब भी आप एक के बाद एक रोल बनाते जा रहे हो एक के ऊपर एक ना रखें साइड साइड पे रखें क्योंकि ये स्टिक हो सकता है इसके लिए ये आप देख सकते हैं मैंने रोल बना दिया इसका और साइड पे अगर गैप है तो उसको थोड़ा सा स्टिक करेंगे अच्छा दिख रहा है ना अब हम इसे मोमोज़ जैसा भी बना सकते हैं वो भी मैंने बनाया आप देख सकते हैं ये थोड़ा फ़ास्ट किया है सभी लोगों को मोमोज़ का पता है तो मैंने थोड़ा फास्ट किया ये थोड़ा सा स्टफ़ मैंने डाला है मैगी का अब इसको बनाएंगे मोमोज बहुत अच्छा लग रहा है ये देख सकते हैं आप वाओ अब देखिए मैंने लिया है मैदा तीन बड़े चम्मच मैदा लेके इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद ये देख सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हो तो ये कर सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो एग भी यूज़ कर सकते हैं ये देखिए मैंने जो स्टफ़ जो बनाया था मोमोज जैसा उसे मैं इसको मिक्स करके ब्रेड क्रम्स के साथ मिक्स कर रही हूँ अभी मैंने ऑयल पे डाल दिया है तब तक हम इसे फ्राई होने छोड़ देंगे जो मैंने पफ जैसा किया था रोल जैसा वो भी मैंने इसमें डाल दिया है उसको भी आप लोग मैदा को डाल के पहले फिर क्रम्स में डालें और इसका अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें आप लोग भावना बहुत अच्छा था बहुत टेस्टी था गाइस आपके बच्चे अगर घर पे हैं तो दे विल लव दिस यू हैव एन ऑप्शन ऑल्सो यू कैन पुट एनी काइंडफ़ स्टेप्स ये है मेरा मैगी स्टेप रेडी है बहुत या मैं बहुत टेम्पटिंग है आप इसे किसी चटनी सॉस कुछ भी मिक्स करके खा सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे वीडियो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक यू एवरीवन